हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। आज हम लोग आप लोग के साथ, कल ब्लॉग नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी बोलो। कल था, बिजी शेड्यूल था, इसलिए काम नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया हम लोग का ब्लॉग। कोई बात नहीं है, आज तो आए हैं हम लोग। आज हम लोग का ब्लॉग जरूर देखिएगा, ठीक है? आप लोग बताइए ये क्या है। ये बचपन में, हाँ ऐसे दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा क्या है? बताइए क्या है, क्या है ये पता है क्या है? जिनको पता है कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दे रही हूँ। वैसे ये है गुल्लक, छोटू सा गुल्लक, और इसको पेंट कर दिए, इसे वाइट दिख रहा है, वाइट एकदम गोरा गोरा। इसमें पैसा डालूंगी, खूब सारा पैसा। अब देखिए मेरे पास है बहुत सारा कलर, मैं कलर भी दिखा देती हूँ कि आप लोग को ये ना लगे कि मैं कहीं और से। वैसे भी इतना ज़्यादा पेंटिंग तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना जानती हूँ करने का ट्राई करूँगी। जो बचपन में वाटर कलर वगैरह करती थी, अभी काफ़ी टाइम से कोई पेंटिंग वगैरह नहीं की हूँ, है ना सिन्हा जी? सही बात है, पहले की थी बहुत पहले, याद है स्टैंड की थी। स्टैंड में पूरा कलर मैं ही की थी, रेड और येलो, है ना? बहुत सुंदर लगता वो भी। जो हम लोग का ब्लॉग देखे हो गए आप लोग, मैं लिंक भी डाल दूंगी हम लोग का बालकनी का पेड़ पौधा जो प्लांट लगा हुआ, प्लांट वगैरह, हाँ जो हम लोग का बालकनी गार्डनिंग का है ना, उसका मैंने डाला है एक वीडियो। या तो आप लोग सर्च कर लेना और मैं लिंक भी डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो। उसमें एक येलो और रेड कलर का स्टैंड है, एक्चुअली वो सूरैक था, है ना? बिल्कुल सही, सूरैक था, लोहे का जो आता है पैक वाला, वो है। तो हम लोग वुडन वाला सूरैक ले लिए थे, तो वो हमारे लिए यूजलेस था, तो मैंने किसी को उसको दिया नहीं। उसको है ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाकर उसके बाद उसको हम अपने वहाँ पर डाल दिया है, और थोड़ा ढीला हो गया था, अभी नहीं इतने उसको पेच कस दिया था। तो एनीवेज आशाल ने आज मार्केट गई तो कैसा लग रहा था? आज लॉकडाउन था, कम था तो ढीलापन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैं गई, मेरा क्लचर वगैरह टूट गया था, सारा चीज़ लेकर आई हूँ, क्लचर, रबर, झोल झाड़ू क्या दिखाएंगे? दिखाओ ना थोड़ा नया डिजाइन का, दिखाओ ना सोना नया डिजाइन क्या झोला झोल झाड़ू एक पता है वो उसमें क्या है, ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो वो बढ़ जाएगा, और ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कम हो जाएगा, वैसा वाला दिखा देंगे लास्ट में, ये तो नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग है ना, अब मैं सोच रही हूँ आप लोग के सामने कलर करती हूँ। मेरा मन कर रहा था तो सिन्हा जी ने बोला कि आप वीडियो में ही कलर करने के लिए, तो मेरे पास ब्रश नहीं है। ब्रश था कहीं रखा हुआ लेकिन कहीं गुम गया है। शिफ्टिंग वगैरह की है ना तो गुम गया है, लेकिन कलर करना है तो मैं फिंगर से भी, ये वाटर कलर है ना तो इसको मैं फिंगर से भी कर सकती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचो मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कर लूँगी। और कलर यूज़ कर रही है साल ने? ये कलर तुम बता दो ना पढ़ के। ग्रीन कलर यूज़ कर रही है। अच्छा कलर ग्रीन कलर है, मेरा फेवरेट कलर। उंगली से जैसा मतलब मेरे से बन पाएगा मैं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी, और ऊपर जो मंदिर रखा है ना वहाँ पे रखूंगी मैं इसको। और इसमें क्या क्या रखोगी साल में? इसमें मेरे पास बहुत सारा चेंज पैसा है, रोज उसमें चेंज रखोगी या नोट रखोगी? तुम जो मुझे दोगे। अच्छा जो हम देंगे वही रखेंगे। हाँ रोज तुम मुझे क्या देना चाहोगे, नोट या चेंज? ये क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन दिए मेरे को। बीवी से हमेशा सोच समझ के बात करो, हंस जाओगे। और बताओ शालिनी। अच्छा आप बात बदल रहे हो, अब बताओ क्या रखूँ मैं इसमें? इसे तुम ये रखना, नोट्स रखने। नोट्स रखूंगी रोज दोगे क्या मुझे? रोज नोट्स दूंगा मैं तुम्हें। कौन सा नोट्स दोगे? नोट गांधी जी वाला नोट दूंगा तुम्हें। मतलब कितना टका दोगे? टका नोट की बात हुई है ना, नोट होता है। मतलब कितना रुपया दोगे? रुपया दूंगा मैं तुम्हें। रुपीज कितना रुपीज दोगे? भारत करेंसी दूंगा तुम्हें, इंडियन करेंसी दूंगा। अरे भाई करेंसी, आई एम आस्किंग अबाउट कि कितना रुपया दोगे? 10 रुपया, 5 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया, कितना दोगे? 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया? तुमको दूंगा हर दिन मल्टीपल करके दूंगा मैं तुम्हें। हर दिन मल्टीपल दोगे? हर वीक मल्टीपल करके दूंगा। वीकली दोगे? दूंगा पर डे, लेकिन जो सेम देते रहूंगा उसका वीकली आएगा तो फिर। अच्छा मतलब पहला स्टार्टिंग में तुम 10 दिए मान लो, स्टार्टिंग 10 से करते हैं, ठीक है? 10 दिए कि 50 दोगे? जो भी है ठीक, एग्जांपल 10 दिए तो फिर दूसरा बार 20 हो गया, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 50, 60 बढ़ते जाएगा। चलो ठीक है,
तो इतना छोटा में कितना बेचारा पेट के अंदर घुसाएगा बताओ, तो बड़ा लाएंगे फिर ना बढ़ जाएगा तो अब इसमें अब आप बताओ कौन सा कलर करूँ। रेड कर लो। रेड करती हूँ, रेड ही ली हूँ बाय डिफॉल्ट। अब रेड कलर। और नाश्ता में आज क्या बनाएंगे सालिनी? आज ये तो होते ही रहेगा, इसमें टाइम टेकिंग है ये तो पेंट। आज सालिनी नाइट तक वह पेंट करेगी आज? नहीं जी, अभी तुरंत हो जाएगा मेरा, नाइट तक भी हो सकता है। तो फिर अभी डिनर का भी टाइम हो जाएगा। इसमें रेड कर दी हूँ कि खतरे की घंटे कोई हाथ ना लगाना, सब कॉन्सेप्ट बेस कर रही हूँ। सालिनी आज नाश्ते में क्या बनाई है? नाश्ता में बनाऊँ तू पास्ता? पास्ता तुम बनाई थी कल, तो क्या बनाऊँ बताओ? पॉपकॉर्न बनाई हो? बनाई हो क्या? बनाऊँगी वही बनाई हो, यानी बनाओगी यानी कहने का कभी मतलब कभी बनाई हूँ ये बोल रहे हो? कहने का मतलब मैं तो घुमाओ मत हमको, हम कह रहे हैं ये कि तुम पॉपकॉर्न जो है तो आज मैं बनाई हूँ पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बना, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न किसको खाना है? पॉपकॉर्न, इट्स अ काइंड ऑफ जोक। ओके, और शालिनी? और सोना, उंगली से इतना अच्छा बना सकती हूँ तो मुझे पेंटिंग सिखाओगे क्या? तो ब्रश से कितना अच्छा बनाओगे बताओ? सही बात है, कला तो मेरे अंदर भरा हुआ है। कलाकार है ये? कलाकार नहीं, कलाकार है ये। कलाकार नहीं, कलाकार है हम। ये बात तो तुम मान गए ना कि मैं कलाकार हूँ। जाओ शालिनी बना लो पॉपकॉर्न। रुको सोना, थोड़ा सा नीपा पोती करने दे। नीपा पोती कर कभी बोलती है, कभी पेंटिंग बोलती है, कभी नीपा पोती बोलती है। अरे सब एक ही होता है बाबू, समझने समझने का फेर है। तुम जो समझ, येलो परेड हो रहा है एक्चुअली। देखो फिंगर पेंटिंग ऐसा ही होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि अब येलो कलर पहले से लगा हुआ था, रेड पहले से लगा था, फिर येलो लगा दी तो थोड़ा सा डिजाइन ही बन गया। बात तो सही है। तो आपको पॉपकॉर्न खाना है? कुछ भी खिला तो आज सिन्हा जी मुझे पॉपकॉर्न खिलाएंगे। सिन्हा जी को नहीं आता पॉपकॉर्न बनाने? भाई पॉपकॉर्न बनाऊंगी मैं, लेकिन मैं हाथ में कलर बनाऊ लगा हुआ तो तुम मुझे खिला दोगे? इतना तो कर सकते हो। इतना तो कर ही सकता हूँ, इतनी सी बात है। सोना मैं बनाई हूँ तो तुम लेके नहीं आ जाओगे? लेके तो आ ही सकता। जाओ लेके आना था। फिर बोलो क्या? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न प्लीज। सोना हॉल में कितना महंगा मिलता है ना पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कितना कितना महंगा मिलता है सोनू? मिलता क्या, 100 रुपया का इतना छोटा सा आता है और 10 रुपये में मार्केट में मिल जाता पाउच। और कुकर में डाल के बनाइए, जिनका भी मन कर रहा होगा खाने का बनाइएगा ज़रूर। अब सिन्हा जी चले गए पॉपकॉर्न लाने के लिए। ओए खाना नहीं, आ गए पॉपकॉर्न लेके। देखो गाइज मैं कलर कर रही हूँ तो मुझे टाइम पास के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए पॉपकॉर्न लो। खा पॉपकॉर्न। ऐसा ना तुम ज़्यादा खा देना, ऐसा मुझे ज़्यादा खा दो मैं ढकने लगा गला, एक्स्ट्रा खाने निकाल दो बाहर। इतना डर बीवी से हो? माय गॉड, सिन्हा जी डर गए अपनी बीवी से। सालिनी? हाँ जी। दिखा कितना पेंट किया अभी? रुको ना दिखा रही हूँ, थोड़ा कलाकार जो तुम्हारी है उसको कला दिखाने का मौका तब मिलेगा ना जब अच्छा बड़ा हो जाए।
क्या करें, ब्रश नहीं है तो जुगाड़ कर रहे हैं। बिहारी लोग हमेशा जुगाड़ों पे बिहेव करता। हमको एक गो खिलाते हो और पहले चार गो खाते हो, देखिए आप लोग। सोचे एक दिन गुरुगप्पा का चैलेंज फिर से हो जाए। वो फिर से क्यों? एक बार काउंटिंग करके खाऊंगा। ये मत बोला सालनी चीटिंग की थी। मैं कहाँ बोला सालनी चीटिंग की थी? सारा तुम ही खा जाओगे। मानी कि मैं बिजी हूँ। फाइनल दो वो दिए और आप लोग अगर बोलोगे तो मैं कलेक्शन अपना दिखाऊंगी। क्लचर का किसका? क्लचर बहुत अच्छा चलाई हूँ ना। तो दिखा दो लाइक हो तो। अभी थोड़ा सा कलर कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और सिन्हा जी वो वाला वीडियो कब लाएंगे हम लोग? कौन सा? मेरी फ्रेंड लोग पूछ रही थी। कौन सा वीडियो? जैसे मैं बचपन का कहानी शेयर की थी ना, तो बहुत लोग भाई पूछ रहे थे कि आप लोग अपना 2 साल जो हुआ है उसका शेयर करने के लिए। जल्दी करेंगे शेयर। 2 साल जैसे हम लोग का इस बार फरवरी में कंप्लीट हुआ था ना, तो उसका वीडियो शेयर करना है कि हम लोग का 2 साल कैसा रहा। वैसे तो भाई समझ लो सबका बेकार ही रहा 2 साल। वैसे लाइफ हम लोग का बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2 साल से कोरोना ही चल रहा है। कोरोना ही चल रहा है, लेकिन उस कोरोना काल में भी हम लोग फिर भी घूम ही लिए बहुत जगह। सही बात है, बहुत प्रीशियस टाइम निकाल के घूमे। कहाँ कहाँ गए अभी बताइएगा। नहीं ना कहाँ कहाँ घूमने गए अभी नहीं ना बताइएगा। क्या कहाँ कहाँ घूमने गए वो तो बताइएगा ब्लॉग में आराम से। हमारा जो पिछला ब्लॉग आप लोग देखोगे तो पता चल जाए कहाँ गए थे हम लोग। नहीं वैसे पिछला ब्लॉग में भी पता चलेगा और देखना। और हम लोग एक ब्लॉग भी बनाएंगे कि हम लोग का एंगेजमेंट से लेके शादी तक का, उसके बाद 2 साल तक का पूरा ब्लॉग बनाएंगे, शेयर करेंगे। हम सोचे आप लोग के सामने पूरा बता दें कि हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो क्लेचर दिखा दो सानी, तो करते तो टाइम लगेगा ना फिर। हो गया सोना, अब ज़्यादा नहीं करना है। तुमको पता है ना सोना मुझे पूरा अच्छा लगता है कलर करना। देखिए गाइस इतना मैंने बना दिया, कैसा लग रहा है? थोड़ा गांव-गांव टाइप का बनाई हूँ क्योंकि पेंटिंग मतलब आर्ट पेंटिंग है। एक्चुअली मेरे पास ब्रश नहीं ना, ब्रश रहता तो मैं और अच्छा बनाती। देखिए यहाँ पर लिपस्टिक लगा दिया। नहीं ये रेड जोन है, इसमें सोना रोज डालेंगे ऐसे। अच्छा रोज मनी डालेंगे। ओह माय गॉड आप गंदा कर रहे हो। गंदा हो गया? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोल के गंदा कर दिए। नाराज हो गई है? अब मनाओ मुझे, मैं नहीं जानती हूँ मनाओ क्यों। मैं तुम्हें 3 पॉपकॉर्न खिलाऊंगा इस बार। नहीं 3 तो दुश्मन खिला दे, 4 खिलाऊंगा मैं। 5 खिलाओ। 4 खिला रहा हूँ मैं पॉपकॉर्न। मेरी बेबी मेरी पॉपकॉर्न से मान जाती है। और जब नहीं मानती है तो बहुत खतरनाक नहीं मानती है। अभी ज़्यादा गुस्सा नहीं हुई हूँ इसीलिए। हो गया लाल कलर करी दी, ये ब्लैक बचा, ब्लैक क्यों करूं? क्लच अब जो लाइए तुम दिखा दो अपना। अरे भाई दिखा रही हूँ, कुछ बताओ आज मार्केट गए तो क्या हुआ? तुम रिंग जो खुलवाए वो बताओ। हाँ मेरा ना एक रिंग था वो एकदम टाइट हो गया था। देखिए आप लोग, उंगली पूरा सड़ गया था। उंगली सड़ेगा क्यों? अरे सड़ गया था मतलब खराब हो गया था, टाइट हो गया था काफी, खराब हो गया था। मैं बोलेगा ये मतलब हम मजाक कर रहे हैं इनसे। तो वो अंगूठी भी कटवाया फिर दिया बनने के लिए उसे। अब मैं कितने साल से बोल रही थी तुमको ठीक। 2 साल से लॉकडाउन चला, दुकान खुल रहा था बंद रहा, टाइम नहीं मिल रहा था। आज ये था सडनली दुकान भी दिख गया खुला हुआ था, ज्वेलरी का दुकान भी वहाँ से कटवाया फिर बनने दिया। ये बेकार हो गया पिंक कलर। चलो कोई नहीं हो गया ना, काम होने से मतलब है। हाँ चलो इतना ही सिंपल ही अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा ज़्यादा भी मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं ऐसे देखिए गाइस, ऐसे अच्छा लग रहा है ना। मैं धीरे धीरे घुमा के दिखा रही हूँ, मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसको वाइट कलर कर दूँगी। वाइट कलर में जो सिंपल किया
ये लड़का पागल है गाना गा रही हूँ कुछ नहीं। आई लव यू सोना, लव यू। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना क्लचर कलेक्शन रबर जो आज मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। अब कलर को पहले रख देती हूँ, अभी रख दूँ कि बाद में रखूँ? बाद में रख लेना। चलो रख ही दी थोड़ा, ये राम सोना इसमें कलर लग गया। हटो ना, मैं कैसे जाऊँगी। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आज मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। पहले तो मैं शिल्पा का बिंदी लगाती थी, लेकिन सोना शिल्पा का नहीं मिला, तो मैं ये वाला सुरुचि कर ली हूँ। इतना बड़ा साइज़ थोड़ा ट्राई करूँगी, देखती हूँ मेरे पास कैसा लगेगा ऐसा। सोना सोना बोलो ना, सोना चढ़ ली हूँ। इनको नहीं अच्छा लगता है क्या? देखिए ये वाला क्लचर की बात कर रही हूँ, पॉपकॉर्न की बात कर रही हूँ। देखिए ये क्लचर ली हूँ, इसी का ना कलर बहुत ग्रे कलर ली हूँ, ये मेटलिक कलर ली हूँ, रेड कलर ली हूँ, और ये वो सिल्वर कलर ली हूँ। ये हो गया, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा रबर ली हूँ और सारा रबर, ये सॉफ्ट रबर है, सारा सॉफ्ट रबर ली हूँ और बहुत अच्छा कलर कलेक्शन मिल गया। ये सारा रबर ली हूँ सोना, बहुत नहीं लिया सामने, बहुत नहीं, सब खो जाता है सोना, खराब हो जाता है। 5 रुपए का तो दिया है, नहीं खो जाता था तो खो कैसे जाएगा घर में लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तुम ही तो भुला देते हो मेरा इधर उधर घुसा। एक्चुअली गाइस हम लोग का जो बेड है ना, बेड बॉक्स वाला, उसके साइड में जगह है, उसी में गिर जाता है और फिर निकाल ही नहीं पाते तो खो जाता है। तो ये सारा चीज़ आज मैं परचेज की थी। और झोल झाड़ू दिखाओ, और वो भी तो दिखाओ जो दही जमाने वाला खरीदे हैं, दिखाओ ना सोना, आराम से ना प्लीज। अब मैं अपना खाती हूँ, अब आपका नहीं है ना। देखिए ये मैं ली हूँ मिट्टी का बर्तन, दही इसमें बहुत अच्छा जमता है। हम लोग के एक्चुअली गांव में जो मिलता है ना वो गोल वाला झोल झाड़ू भी, झोल झाड़ू भी हम सब कुछ दिखाएंगे अपने सब्सक्राइबर को जो भी परचेज करेंगे। ये देखिए बहुत मोटा एकदम मस्त सा है। ऐसे नहीं कीजिए, मैं दिखाऊंगी। अरे मैं दिखाऊंगी, क्यों तंग कर रहे हो सोना? तो मोर है, मोर आया। कौन? मैं मोर हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन पहनी थी, मैं मोरनी हो गई। देखिए ये है ना, बहुत अच्छा कोटेड है, और इसमें दाल धो दी हो क्या? हाँ इसको वॉश कर दी हूँ, तब ना ऐसे छोड़िए ना तो डस्ट होता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि इसमें ना प्लांट लगा दो। मैं प्लांट वाला नहीं है, इतना महंगा मैं प्लांट लगाऊँ? 70 रुपीज़ का दिया है, गाँव समेत बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छा लगा हमको। और दूसरा बात ये बता रहे थे कि गाँव में जो मिलता है वो घड़ा टाइप का मिलता है, यहाँ भी मिल रहा था लेकिन उसका मुँह बहुत छोटा था, इसलिए मैं ली नहीं। उसमें हाथ दे के साफ़ नहीं कर सकते, ये थोड़ी है कि एक बार दही जमाए फिर फेंक देंगे, इसको यूज़ करेंगे फिर, है ना। तो ये मैं ली हूँ, आप लोग प्लीज़ बताना आप लोग को कैसा लगा। देसी पूरा एकदम, इसका तावा भी मिल रहा था, मैं तावा भी लूँगी। और ये है झोल झाड़ू। इसका स्पेशलिटी मेरा ये मन कर रहा था ना कि आप लोग को दिखाऊँ। देखिए कैसे होता है सुना, आता तो है नहीं, बोल दिए फटाक से। ये ना यहाँ पकड़ो ऐसे। अच्छा हाँ हाँ, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे इसको ऐसे ऐसे खींच दो, फिर हम खुल गए पूरा। ये पूरा अलग ही कर दी सोना, अच्छा से खोल दी इसको, खराब हो गया। खराब हो गया सोना, खराब क्या होगा? खराब भी हुआ तो कोई नहीं, मेरा पति कुछ सारा सेट किया हुआ होता है, समझे ना, कुछ नहीं खराब होगा। इसको खींचा जाता है। अच्छा नहीं हुआ ना खराब? नहीं खराब नहीं हुआ, टाइट कर देगा। देखो इस बार ने टाइट भी हो गया, मैं खराब की तो चलो, आप भी ऊपर वाला खोल दिए थे तब तो गुस्सा नहीं आया, बीबी की तो गुस्सा आ रहा है। देखिए
बाबू ना मैं सोना। देखिए यही झोल झाड़ू ली हूँ और इनको झाड़ूंगी इससे। अभी तो पंखा तो झाड़ी थी। ए मेरा पॉपकॉर्न मत खाओ। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ और एक चीज और लाए थे, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो है हार्मफुल एसिड। अच्छा, हम लोग अपना गार्डन जो है ना वो साफ करने के लिए, और हम लोग लेने गए थे ट्रे, जो फ्लावर पॉट के नीचे ट्रे रखते हैं ना। क्या बोला सोना, कब देगा? कल देगा, कल बोला, लेकिन कल देगा नहीं, दो दिन के बाद ही देगा। वो परेशान करने के लिए बोल देता है कि कल ले लेना। हम लोग जाएंगे एक ही दिन, जिस दिन उनका रिंग लेने जाएंगे ना उसी दिन लेंगे ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे शॉपिंग किए, सारा चीज किए, बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, लॉकडाउन तो है लेकिन नहीं, लॉकडाउन खत्म है, कोरोना है, लॉकडाउन खत्म है, लॉकडाउन है, 8 बजे बाद फिर मार्केट बंद हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है ना, इतना लेट नाइट क्या जरूरत है घूमने का। लेकिन वही है कि कम से कम 11 घंटे शॉप खुले रहेंगे। ओ हाँ, हम एक चीज बताना तो भूल ही गए, कल हम लोग के यहाँ लाइट कटने वाला है। ओह, 5 बजे तक कहाँ ले जाओगे? 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइट रहेगी नहीं यहाँ पर। कहाँ ले जाओगे? गर्मी है बहुत, अब बगल में है मॉल। मॉल जाएंगे हम लोग, तो ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हम लोग चल जाएंगे मॉल, क्योंकि मॉल में चलेगी 11-12 बजे निकल जाएंगे नहीं। अब देखो लाइट कब कटती है, कभी कभी बोलता है लाइट कट जाएगी 11 बजे, कभी काटता है 1 बजे तक काटता है, मतलब जब भी काटेगा तो ले जाओगे मॉल। हम लोग मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे। शॉपिंग नहीं करेंगे सिर्फ, हम लोग ना मॉल जाएंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अरे मॉल जाएंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग तो हो ही जाएगा। पक्का पता तुमको, एक मॉल है जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। ऐसा कोई मॉल ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हमको उल्लू बना रहे हैं। इस बार नहीं बोल रहे कि शॉपिंग नहीं होगा, अब सोच रही है कोई लड़की मॉल जाएगी और कुछ ना ले, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेंगे, लाइफ स्टाइल जाएंगे। आज ही हम लोग को मिला वो नया मॉल। आज हम लोग गए थे ना, हम लोग कहाँ गए थे सुना? हम लोग गए थे बादशाहपुर, यहाँ पे एक मार्केट है गुड़गांव में, लोकल मार्केट है वहाँ पे ना, मतलब जो चीज़ है ना ऐसे छोटा स्टोर सब खुला रहता है, उसमें 100 रुपए जैसे आप सदर बाजार जाते हो ना, तो वहाँ है, वो बहुत बड़ा मार्केट है और उसी का एक छोटा। जैसे ये क्लचर ली ना मैं 30 रुपीज़ का ली, वैसे अगर छोटा स्टोर से लोगे तो आपको कितना का, 100 रुपए 75 रुपीज़ का लेता है, 75। यहाँ पे सोडी है उसमें 75 का देता है, तो क्यों, ये सब तो टूट ही जाता है जल्दी, ज़्यादा भी कॉस्टली लेने का क्या फ़ायदा है ना। हाँ लो, यूज़ करो, और है ना 2-3 महीना 6 महीना के बाद फिर ना नया ही लेना होता है, टूट फूट जाता है, इधर उधर हो जाता है, भूल जाता है, मेरा टूटता नहीं है जल्दी, मेरा भूल जाता है। एक मेरा क्लचर है ना ब्लैक कलर का, वो मेरा एक 3 और क्लचर है ब्लैक कलर का लिया हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा सोना। आज ली हो? हाँ। कहाँ रखी हो, छोड़ दी क्या दुकान? नहीं दुकान में नहीं छोड़ी हूँ, रखी हूँ, अभी याद नहीं आ रहा कहाँ रखी। गाड़ी के डिक्की में तो नहीं छोड़ दी? नहीं सोना, सारा प्लास्टिक में था, नहीं छोड़ी हूँ। हम लोग पॉपकॉर्न भी खा लिए, बॉयल हो गया खा ली। तो इसी तो सोना एक बात बताओ, कल मॉल ले जाओ, लौटता है तब तो फिर घर पे ही रहेंगे, और फिर तुम पकौड़ी बनाओगी। कौन सी का पकौड़ी? प्याज की पकौड़ी। ठीक है, यही सब बनवाओ बीवी से, काम कराओ उसे। ये तो कौन था कि ये घर पर काम हो गया, बीवी से काम कराया जाए। आज पता क्या हुआ, एक चीज़ बता रहा हूँ भूल गया, सोना गया था ना अंगूठी कटाने के लिए, तो क्या हुआ ना अंगूठी कटा ना तो उसमें आटा निकला, ठीक है, तो अंगूठी बोला ना सुनार कि है ना ये आप क्या क्या कहते हैं खाना बनाते हैं क्या सर? तो ये बोला लॉकडाउन है, वाइफ का हेल्प करना चाहिए ना, तो ये कभी कभी आटा सानते हैं, तो बोल दिया। और इस साल पता है हमको बड़ा शर्म आने लगा कि भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा हंसने लगा, वो भी एकदम शर्मा गया था, वो भी बोला कि हम भी करते हैं, बोला कोई बात नहीं तो आम बात है सब काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी यही कहना है कि हर, मैं इनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी कंजर्वेटिव माइंडेड है कि वाइफ का हेल्प नहीं करना चाहिए, वाइफ का हेल्प करना, वाइफ का काम है खाना बनाना बर्तन धोना, तो दिस इज़ नॉट गुड, और ये ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। जो हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट करना चाहिए, क्या आप एग्री करते हैं? आप तो सपोर्ट करते हैं फुल। ये थी हमारी वीडियो,
तो आपने देख लिया कि मैंने कितना अच्छा कलर किया, अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। अगर आपको भी मन करे तारीफ करने का, ज़्यादा कुछ तो क्यों नहीं, क्योंकि फिंगर से क्यों है ना, सुना ब्रश हो गया, ब्रश हो गया है मेरा। अगर आपको भी कमेंट करने का मन हो, कुछ अच्छा तारीफ करना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और लाइक भी कीजिएगा। हाँ, और नीचे मैं डाल दी हूँ इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ जाकर फॉलो करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, और मैं वहाँ रील वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग वो देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और चैनल जो है भैया भाभी मामा मामी चाचा जमुनानगर वाली मामी, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि हम लोग अभी उस कगार पे हैं जो कंप्लीट होने वाला है टास्क, जो यूट्यूब वाला जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं अगर सब्सक्राइबर, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो मेरे इस इंडिया के फैमिली या आउट ऑफ इंडिया का जो हम लोग का ब्लॉग देखते हैं, यूट्यूब फैमिली है हमारे, तो अपने कजन वगैरह को भी बोले कि करवा दो प्लीज, सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है, आप लोग आराम से करवा सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आती हूँ, मोस्टली हर दिन ही आती हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए आऊँ, चाहे आधे घंटे के लिए आऊँ, लेकिन आती ज़रूर हूँ। तो आप लोग वहाँ भी मेरे से बात कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन वगैरह है या कुछ भी, कोई चीज़ अगर आपको कि कोई ऐसा ब्लॉग चाहिए जो आप बोलना चाहते हो, वो कमेंट करके भी बोल सकते हो, इंस्टा पे भी मेरे से चैट करके बता सकते हो। चलो गाइज, आज के लिए बाय बाय।